तो दोस्तों डाकोर में भगवान जी के दर्शन के बाद हम आ गए श्रीजी थाड़, यहाँ की वर्ल्ड फेमस थाड़ हम खाने के लिए। 150 रुपये में आपको ये थाली मिल जाती है। तो क्या क्या मिलता है 150 रुपये में आपको बताता। ओके अभी एम्प्टी है तो भर देते इसको। तो टोटल यहाँ आपको 4 सब्जी मिलेगी। फर्स्ट कठोर चने की सब्जी, आलू की सब्जी, पनीर की सब्जी, पंजाबी भी होता है, और टिंडोड़ा की सब्जी। और मिल जाती है घी लगाई हुई गर्मा गर्म रोटी। गर्म है? हाँ बहुत गर्म है। तो इतनी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये स्वीट जो होता है आपको वो भी ऑप्शनल मिलता है, 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। और ये फिक्स थाली 150 रुपये की, और उसमें छाछ आपको मिल जाती है। तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे बहुत बढ़िया फ्रिज का एक टेक्स्चर रखा हुआ है। और अब बारी बारी से हम टेस्ट करेंगे। तो ये टिंडोड़े की सब्जी, वैसे मुझे बहुत पसंद नहीं है टिंडोड़े की सब्जी, यहाँ अच्छी खासी है, बाकी कड़वी लगती है मुझे। हाँ बाकी अच्छी है। अब ट्राई करेंगे पनीर। वो भी बढ़िया है। अब आलू की सब्जी। रोटी आती रही आपकी, ख़त्म हो जाए तो ख़त्म हो गई, पता भी नहीं चला था। उन भाई को, भाई साहब को पता चल गया तो रख के चले गए। आलू की सब्जी भी स्वीट एंड बहुत बढ़िया है। जो गुजराती जायका होते हैं उसमें थोड़ी स्वीटनेस होती है आलू की सब्जी में, वैसा ही है। अब चने की सब्जी मेरी फेवरेट वाली। वो भी थी बेस्ट। अब लास्ट में आते हैं दाल। वो भी गुजराती दाल जैसी होती है, कैसी ही है, मतलब कि टोटली थाली में सब कुछ बढ़िया है। तो पापड़ तो पापड़ जैसा होता है, और ढोकला खाते हैं एवन, एकदम एवन, बहुत बढ़िया बनाया। तो यहाँ के खाने के टेस्ट से लेके सर्विस तक एप्रिशिएट करना तो बनता है। ईच एंड एवरी सब्जी टेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड पैरेलली सो डिलीशियस। आपको एक चीज बताने दे गई, ये अलग से दिया जाता है संभारा और प्याज। दूसरी बात करूँ तो यहाँ खाने का टेस्ट कैसा था पता है? जैसे हमारे घर कोई मेहमान आते हैं और उस दिन खाने का टेस्ट जो मजेदार और लाजवाब हो जाता है ना, ठीक उसी तरह का खाना यहाँ पिरोसा जाता है। तो यहाँ अभी लास्ट में मिला है राइस, खाएंगे दाल के साथ। दाल ही होती है ना, कड़ी यहाँ नहीं होती, कड़ी शाम को कड़ी होती है। शाम को कितने बजे के बाद? शाम को 7 बजे के बाद। अच्छा 7 बजे के बाद कड़ी होती। तो यहाँ आपको स्पून का भी ऑप्शन मिलेगा जो आप राइस के साथ यूज़ कर सकते हो, बट जब हम स्पून से खाते हैं ना तो स्पून का टेस्ट आता है स्टील वाला। तो हम हाथ से खाते हैं। जो हाथ से खाने में मज़ा है ना, वो स्पून वाले में मज़ा नहीं है, पर खाते हैं लोग स्पून से। तो वैसे थाली हो गई है फिनिश, कैसा लगा? ऐसे आपको पसंद नहीं आती ऐसी फिक्स थाली है? हाँ मुझे पता है। पर ये कैसा लगा? अच्छी थी, बढ़िया, हाँ बढ़िया थी। स्पीचलेस। अरे मैं कुछ बोलना चाहता था, खाना इतना अच्छा था कि हम दूसरी बार भी आएंगे ना डाकोर में, तो बस यहाँ के खाना पसंद करेंगे। श्री जी ओके ठीक है। तो भाई हमारा क्लाइमैक्स बाकी है, पर ये थाली का क्लाइमैक्स आ चुका है श्रीखंड। आपको ऑप्शन मिल जाते हैं 3 से 4 स्वीट के, कभी अवेलेबल होते हैं कभी कुछ अवेलेबल नहीं भी हो, पर फिलहाल अवेलेबल है जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं इतनी आइटम। तो हम मैंने लिए है श्रीखंड, तो खाते हैं। हाँ तो लड्डू और गुलाब जामुन यहाँ की प्रोडक्ट है, श्रीखंड का आप टेस्ट लेते हैं। बढ़िया है। ओ भाई साहब, मीठा खाने के लिए जो सब्र रखने के बाद
खाने में मज़ा आती है। इट्स अ फैबुलस। और उसमें भी एक और स्पेशल चीज़ मुझे ऑफर हुई। और यहाँ के स्वीट में इन्होंने सजेस्ट किया है कि गुलाब जामुन तो खाना ही खाना है। तो गुजरात के फूड ब्लॉगर है कमलेश मोदी जी, तो यहाँ उन्होंने बहुत तारीफ की थी गुलाब जामुन की, तो देखते हैं हमारे मुँह से भी तारीफ निकलती है कि नहीं। गुलाब जामुन, ये जो नाम है ना गुलाब जामुन, खाने के बाद मैं ढूंढ रहा था गुलाब जामुन में से स्वाद आ रहा था गुलाब जैसी चाशनी का। बढ़िया, सॉफ्ट एंड बढ़िया है। कमलेश मोदी जी यूँ तारीफ नहीं कर रहे थे, है गुलाब जामुन है। बढ़िया है, गुलाब जामुन जरूर खाना। तो पूरी इंडिया, अरे चलो गुजरात से स्टार्ट करते हैं, गुजरात इंडिया या वर्ल्ड में जाओ, फिक्स थाली कहीं भी मिलेगी वहाँ पानी पूरी नहीं मिलेगी। पर यहाँ मुझे पानी पूरी भी फिक्स थाली में, मतलब कि 150 में इंक्लूड है। पर ये आप कभी कभी होते हो, कभी नहीं भी होते, तो कभी मतलब आपके लक पे है, मिली या ना मिली वो आपके लक पे, ये भाई साहब हो या ना हो उस पर डिपेंड है। तो चलो खाते हैं। पर कैसी रखते हो, तीखी मीठी? वो खट्टा हो और मीठा होता है पानी। ओके, जिसको खट्टा हो लगता है मीठा था। आप अपने हिसाब से बना के दो। खट्टा पानी मतलब कि आप लास्ट में पानी पूरी की जगह पेट में रखना, ऐसा फिर कैसे लगेगी? चलो मैं खा के दिखाता हूँ। बहुत बढ़िया। अपन ने थाली पे इतना फोकस किया था, सब कुछ बहुत सारा खा लिया, जब पानी पूरी ज्यादा नहीं। मैंने तो थोड़ी जगह रखी थी, बोला था कि भाई पानी पूरी मिलेगी। तो वैसे तो अभी 15 दिन पहले हम नासिक पानी पूरी खा के आए मामा जी की, तो वो ब्लॉग भी जरूर देखना। तो आज हमारे खाने का सफर इस पानी पूरी के साथ ही पूरा हुआ। खाना तो बढ़िया ही था, पर खिलाने वालों ने हमें कस्टमर नहीं पर मेहमान की तरह खिलाया। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट दिस प्लेस। तो चलो इस मेहमान गति के सरताज यहाँ के ओनर के साथ मिलते हैं। मैं खुद अहमदाबाद से हूँ और बहुत सारी फिक्स थाली मैंने खा रखी है गुजरात में खास, तो पर ऐसी थाली मतलब कि 150 रुपये में इतना सब कुछ मिले वैरायटी, वो कभी भी मैंने ट्राई नहीं की। तो यहाँ मैं ओनर से मिलने आया हूँ, श्रीजी थाड़ के, उनको मामा बुलाते हैं सब लोग, तो चलो उनसे वार्तालाप करते हैं। तो जय रणछोड़ मामा। जय रणछोड़। हाँ, तो कितना वर्ष से जो हमें 8-9 वर्ष। ओके, तो आप हिंदी में बात करेंगे? हाँ। तो 8 साल से यहाँ 150 रुपये में आप खिला रहे हो? नहीं नहीं, वो तो रेट हिसाब से चलता है, पहले 99 में रखी थी। अच्छा, 99 में भी होती थी। हाँ, फिर वो लॉकडाउन के बाद वो मगवर के हिसाब से बढ़ा दिया। पर पानी पूरी पहले से ही रखते हो? नहीं नहीं, अभी चालू किया लॉकडाउन के बाद। हाँ, तो ये बहुत बढ़िया मुझे कॉन्सेप्ट लगा आपका पानी पूरी वाला जो। लेकिन कभी आता है कभी आता है नहीं है। हाँ, वही डिस्टर्ब पड़ती है हमको। और सीजन के हिसाब से जो स्वीट होता है वो रखा जाता है। और संडे आप बंद रखते हो? नहीं, संडे तो चालू होता है। चालू होता है, सिर्फ पानी पूरी बंद होती है। पानी पूरी बंद करते हैं। तो आपके लक पे ये रहेगा कि संडे को मिले या ना मिले, कभी होता है कभी नहीं होता है। आपसे मिलके अच्छा लगा और बहुत अच्छी सर्विस लगी डाकोर में। चलो जय रणछोड़। चलो थैंक यू। जय रणछोड़। तो यहाँ श्रीजी थाड़ का सफ़र हुआ ख़त्म, किसी और सफ़र के साथ, किसी और दिन फिर से यही चेहरे के साथ हम मिलेंगे। तो कैसा लगा लाइक ठोक दो, अच्छा लगा दो, और बहुत अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो बस यहीं उड़ते रहेंगे, फिरते रहेंगे, मिलते रहेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर, आओ जो आओ जो, राम राम।